नमस्कार, स्वागत है आपके एचबीएन न्यूज चैनल में और मैं भुवनेश वाजने इस समय आपके साथ जुड़ा हुआ हूं अलीगढ़ शहर से। यहां पर हम जानेंगे किस तरीके से कोरोना वायरस से लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं, किस तरीके से लॉकडाउन होने से उनके ऊपर आपत्तियाँ आ रही हैं। आइए जानते हैं। मैं एचबीएन चैनल के माध्यम से देशवासियों को अवगत कराना चाहता हूं। मैं राजेश कुमार कपूर, 35 महासचिव लोक शक्ति पार्टी संयुक्त प्रकोष्ठ भाजपा गठबंधन, जो आज भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अघोषित कर्फ्यू लॉकडाउन किया है, जो देश भर में कोरोना वायरस फैल रहा है। हम इस कोरोना वायरस को अपने पास नजदीक नहीं आने नहीं चाहते हैं, जिससे कि हमारे माता बहनों बुजुर्गों को इसकी बीमारी फैले। आज जो लॉकडाउन सरकार ने किया है, हम लोगों को पूरी तरह से कोरोना वायरस पर अंकुश लगाना चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। सर, उस तक तो ठीक है, जैसे कोरोना वायरस पर हमें कुछ लगाना चाहिए, भानी नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से भी आप कहना चाह रहे हैं, मैं उस बात से आपकी सहमत हूँ बिल्कुल, कि हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन एक चीज भी हम अंदाज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जब से कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया है देश भर में, तब से लोगों की अपनी मनमानियां शुरू हो गई हैं, मतलब डबल रेट कर दी अपने हिसाब से लोगों ने। तो इस कालाबाजारी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी जो व्यापारी हैं, मुनाफाखोरी पैदा कर रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं, इस वक्त जिला प्रशासन मुनाफाखोरियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में जुटी हुई है, प्रशासन जुटा हुआ है। लेकिन आज मैंने कुछ क्षेत्रों में दौरा किया, देखा कि समय पर बाजार खुले, इतनी भीड़ दिखाई नहीं दी, उसका असर पड़ा है व्यापारियों को। तो ये भी हो सकता है कि कुछ आज मौसम विभाग का ही कुछ ऐसा ही सिस्टम रहा था, जिस तरीके से लोग भाग निकलने से घबराए हों। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस ठंड की वजह से और फैलता है, तो लोगों को भी इस चीज से अवगत है, वो लोग इस चक्कर में शायद वो बाहर निकले हों। जी, एसपी चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जो बाजारों में भीड़ का इकट्ठा होना, जो होना, बरसात का मौसम हो, बिगड़ जाना, भीड़ नहीं हुई, लेकिन जिला प्रशासन आज इस चीज़ों पर निगाह टिकाए हुए है। कौन व्यक्ति कौन अभी वसूली कर रहा है, कितने पैसे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन आज देखा गया कि इस तरह की कोई भी घटना इस तरह अभी वसूली की नहीं हुई है, और लेकिन कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन नियमानुसार खाद्य अधिनियम के तहत विभागीय कार्रवाई करेगा, और सरकार भी इस पर पूरी तरह शक्ति का पालन करा रही है। जी, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ, लेकिन कुछ इलाके अभी ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, वहाँ के लोग अभी भी रो रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आप को संभालें, किस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार सामग्री वितरण करने में अभी 2 दिन पहले ही किया है, और कुछ क्षेत्रों में गाड़ियां भी पहुंची हैं पुलिस के माध्यम से। तो सारे क्षेत्रों की हुई थी, पूरी यूपी की हुई थी, हर गली गली की बात हुई थी, तो ये कुछ क्षेत्रों में क्यों पहुंच रही है? सरकार पूरी जुटी हुई है सामग्री बंटवाने में, और सारा सरकारी कर्मचारी लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरा अच्छा काम कर रही है, अपनी तरफ से पूर्ण बहुमत दे रही है, पर नीचे के जो अधिकारी हैं उनका ही कुछ बहुमत डगमगा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देगा कि सरकार को हर गरीब को सामान मिलेगा, हर गली में जाएगा और पार्षदों को नियुक्त किया, यदि कोई गलत हरकत या करतूती अपनाता तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन भी कार्रवाई करेगा। तो सर, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपके जो पार्षद हैं वार्ड नंबर के, क्या वो आपसे कुछ लेने आए लिखने में, या कोई नाम पता आपका लेने आए जिससे वहाँ तक आपका नाम पहुँचा सके? अभी इसके बारे में क्षेत्रीय पार्षद पे मैं इस तरह कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। अभी गली नंबर 6 तक तो सामग्री वस्तु वितरण हुई है, लेकिन ये प्रक्रिया प्रणाली लागू है और अभी अघोषित कर्फ्यू 14 अप्रैल तक लागू है, और गरीबों को पूरी तरह सामान सरकार बढ़वाएगी और जिला प्रशासन पूरी चीज़ों को देखेगा, और जिला प्रशासन ने अपना कंट्रोल नंबर भी दे रखा, कोई शिकायत है सीधा वार्ता करें, शिकायत दर्ज कराएं।
कुछ लोगों का तो यहाँ तक का भी कहना है कि उन्होंने काफी हेल्पलाइन जो नंबर हेल्पलाइन दे रखे हैं उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन ने उनकी कंप्लेंट दर्ज कर ली लेकिन आगे कोई कार्रवाई ना करते हुए पता नहीं किस तरीके से उन्होंने काफी कर चुके हैं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे क्या कहना चाहिए इस बारे में? यदि प्रशासन कार्रवाई जुटा पाएगा इसलिए हम अपने माध्यम से भी अवगत कराएंगे और HP चैनल से भी हम चैनल के माध्यम से भी अवगत कराएंगे कि जो शिकायतें दर्ज हुई हैं उसका निस्तारण कराया जाए और जो जो ब्लैक से सामान बेच रहे हैं उनको सामान नहीं मिल पा रहा है, गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को और भूखमरी भी हो रही है, उनको सामग्री वस्तु समय वक्त कराया जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। हमारी पार्टी भी और कुछ लोग विपक्ष लोग आंदोलन करने में लगे हुए हैं लेकिन उनकी विपक्ष लोगों का जी पत्ता चल नहीं पाएगा। तो जैसा कि अलीगढ़ में अभी सरकार द्वारा ये DM आदेश द्वारा यहाँ पर अलीगढ़ शहर में आपके निमाज ग्राउंड में जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय ने 650 दुकानें लगाने की परमिशन दी है, जिस तरीके से यहाँ की जो राहगीर है नागरिक है उन लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े, जो भी उनका डेली रूटीन का सामान है जो व्यतीत करने का सामान है उससे वो अपने कम से कम दामों में खरीद के अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो अभी तक कितनी दुकान लग चुकी है वहाँ पर? जिला प्रशासन ने जो दुकानें सब्जी की मंडी लगाई है वो कोरोना वायरस को देखते हुए लगाई है, इससे कि हर व्यक्ति एक मीटर से दूरी पर है और जो दुकानें लगाई हैं अभी अभी प्रशासन ने 650 को नियुक्त किया लेकिन अभी ज्यादा मात्रा में नहीं लगी है और लेकिन अब समय नजदीक होते वक्त जाएगा दुकानें लगती जाएंगी और मार्केट में मैं जनता से भी अपील करूंगा कि एक जगह जिला प्रशासन ने बाजार नियुक्त किया मैं जाना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी जो रोहित ने जनता से अपील की है कि अघोषित कर्फ्यू और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए जिससे कि कोरोना वायरस हम लोगों में नहीं फैले और हर व्यक्ति को एक साथ समूह के साथ नहीं रहना चाहिए, बहुत दूरी पे रहना चाहिए, 5 व्यक्ति इकट्ठे रहने चाहिए चाहे गली सही या मोहल्ला सही या रोड सही, यदि कोई व्यक्ति इस तरह से इकट्ठा झुंड होता है तो जिला प्रशासन 144 की कार्रवाई करें। 144 की कार्रवाई जरा फुल डिटेल में बताएंगे? 144 की कार्रवाई CRPC के अंतर्गत ये मानी जाती है 5 व्यक्ति या 3 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं होने चाहिए, यदि 5 व्यक्ति एक साथ खड़े होते 144 के मुकदमे से संबंधित कार्रवाई की जाए। मैं HPM चैनल के माध्यम से देशवासियों को और जनता से अपील व गुजारिश करता हूं कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से सावधानी बरतें और मास्क का प्रयोग करें, सनराइज का भी प्रयोग करें, जो भी संबंधित मेडिसिन की दुकान पर जो भी मेडिसिन है कोरोना वायरस संबंधित उसका प्रयोग करें और अपने अपने क्षेत्रों में 5 व्यक्ति एक साथ खड़े ना हो, हमें खुद सावधानी बरतनी है कोरोना वायरस को लेकर। धन्यवाद। जैसा कि हमने अभी देखा किस तरीके से सर ने हमें बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बस सर का लास्ट व्याप बस यही रहा कि आप लोगों से बस इतना सा निवेदन है अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें, सेफ रहें, किसी तरीके की कोई भी अनुशासन तोड़ने की प्रक्रिया ना करें, जो भी किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह सब संपूर्ण देशवासियों की भावनाओं को नजर रखते हुए आप लोगों के लिए ही अपना देश बचाना चाह रहे हैं, तो अपने घरों में रहें और मोदी जी का समर्थन करें, अपने देश के प्रधानमंत्री जी का समर्थन करें, आज देश को आप लोगों की एकता की बहुत ज़रूरत है, आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है। देखते रहिए मेरे साथ, मैं भुवनेश वार्ष्णेय HBN न्यूज़, जो सच वही खबर।